अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को लेकर तमाम आवाजें उठ रही हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके परिवार तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। ऐसे में अन्य राज्यों की सरकारों ने कोई काम किया हो या न किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बेहतर काम करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कोटा से छात्रों को लाकर उनके परिवारों तक पहुंचाया और अब प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। सरकार की इस योजना के क्रियान्वयन में आने से पहले ही श्रेय लेने का दौर चल रहा है। जब से सरकार ने फैसला लिया है कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जाएगा, तब से सोशल मीडिया पर तमाम दावों का दौर चल रहा है और समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से प्रवासी मजदूरों के वापस लाए जाने के सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ट्विटर हो या फेसबुक हो, तमाम जगहों पर पोस्ट दिखाई दे रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पहले मजदूरों को लेकर आवाज़ उठाई, जिसके बाद प्रदेश की सरकार दबाव में आई और सरकार ने ये फैसला लिया। सपा के एक समर्थक ने लिखा है कि दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के तमाम मजदूर भाइयों के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रमुखता से आवाज़ उठाई, जिसका परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दबाव में आई और अब शासन द्वारा घोषणा की गई है कि बाहर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस उनके पैतृक घर लाया जाएगा। इसके लिए इस समर्थक ने अखिलेश यादव का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के समर्थक ने उस ट्वीट के हवाले से अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन ये भी सवाल है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है, और ये भी कि प्रदेश के तथाकथित नोडल अधिकारियों के मोबाइल मूक और मौन क्यों हैं। अखिलेश यादव ने एक साथ दो ट्वीट किए थे और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि अब उत्तर प्रदेश के हर गांव कस्बे में ये प्रश्न उठ रहा है कि दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को वापस लाने के मामले में भाजपा सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। जनता के आक्रोश के डर से भाजपा के शर्मसार कार्यकर्ता मुंह छुपाए बैठे हैं। आज जनता समझ गई है कि भाजपा गरीबों कामगारों के साथ नहीं है, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का फैसला लिया है और सरकार ने जब से ये फैसला लिया है तब से श्रेय लेने की होड़ सी लग गई है। खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसे अखिलेश यादव के ट्वीट का असर बता रहे हैं और अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता, मंत्री और विधायक सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जनहितकारी हैं और वो जनहित में हर वो फैसला ले रहे हैं जो लोगों को राहत दे सकता है। पहले कोटा से छात्रों को लाकर उनके परिवारों से मिलवाया गया और अब प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार ने फैसला किया है। जल्द ही इन मजदूरों को उनके परिवारों से मिलवा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार के समर्थक और मंत्री विधायकों का कहना है कि सरकार ने फैसला लेते हुए ये भी सुनिश्चित किया है कि जो भी मजदूर वापस लाए जाएंगे उनको पहले 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा, जहां उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी और पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण ना होने की तसल्ली होने के बाद उन मजदूरों को उनके परिवारों से मिलवाया जाएगा, जिसमें उन्हें राशन की एक किट दी जाएगी और 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो फैसला बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं और वो परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते वो लोग वापस परिवार से मिलने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में चाहे बिहार हो या फिर अन्य राज्य, वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है, जिसकी तारीफ भी हो रही है। अब देखना ये है कि कब से मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला शुरू होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में श्रेय लेने की सियासत जो चल रही है उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है और अन्य दल भी शामिल है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं
और अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को लगातार लोगों की मदद करने के लिए दिशा निर्देश देते रहते हैं और खुद भी इन मामलों पर निगरानी बनाए हुए हैं ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था और कहा था और ऋषिकेश से दवाइयों के उत्पादन की मांग की थी। मामले में अब तक पीएमओ की तरफ से कोई फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार लोगों की मांगें उठाते रहते हैं। आने वाले दिनों में नया क्या देखने को मिलेगा वो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।